एक्सरसाइज 8.4 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों, आपको आज एग्जांपल नंबर 7 हम बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहेंगे बच्चों। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, बताया जाएगा आपको। ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो चुका है, ऑलरेडी ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ट्राइंगल एंगल सब कुछ आप जान चुके हो मेथड बच्चों। एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू सी फिगर 8.20, ऐसे पढ़ोगे तो आपके मिस हो जाएंगे। 8.20 पॉइंट्स के जस्ट बाद आप 1-1 करके मार्किंग पढ़ेंगे। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर प्यारे लाल को आपको 6 सेंटीमीटर बताया गया है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, तो आइए देख लेते हैं आपके दिया गया है क्वेश्चन में कि एंगल क्यू ऑलरेडी आपके राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ओके, तो एंगल क्यू की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है कि 90 डिग्री है। सी फिगर 8.20, इतना कंफर्म हो चुका। आगे देखेंगे पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका दिया गया है एंड पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। ओके, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, आपको डिटरमाइन करना है क्यू पी आर। एक बार क्यू पी आर, आफ्टर दैट पी आर क्यू। इसकी फाइंड नाउ हम करने के लिए हमें पता होगा तीन के तीनों वैल्यूज फाइंड होंगे, तो चलिए देखते कैसे हैं। सबसे पहले हम नाउ लिखते हैं गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे, अटेंशन प्लीज एट गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स ये है कि दिया क्या जा चुका है, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड प्यारे लाल जी हैं 6 सेंटीमीटर, जो कि किसकी वैल्यू है, बाई पंडित भोले प्रसाद। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं गया है तो पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले को बोलना नहीं है, बिल्कुल हर हर भोले, जितनी बार कहोगे उतनी बार भगवान का भोले का नाम लोगे ना, तो पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, इतना कन्फर्म हो चुका। अब देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये हमारा है, हाइपोटेनियस ये है एंड बेस ये है, कंफर्म हो चुका। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस किस कंडीशन में है, साइन थीटा, साइन कोस टेन कोस, फिर जस्ट कोसेक आपके सिक कॉट, कंफर्म हो चुका। तो हम करेंगे क्या, वी नो दैट हमें कंफर्म क्या है बच्चों, कंफर्म आपको ये है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कंफर्म हुआ। पहले आप इसमें साथ ले लेंगे, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले को, कंफर्म हो चुका ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस विद बाई कमेंट बॉक्स। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो गया है। वी नो दैट पी की परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, फटाफट लिख लेते हैं। एंड हाइपोटेनियस पी आर की वैल्यू है जो कि कितना दिया जा चुका है, 3/6, कंफर्म हो चुका भैया। पी क्यू की वैल्यू 3 है एंड पी आर की वैल्यू 6, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा ही क्यों रखें, क्यों, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस हमें दिया गया है जो कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग हम साइन थीटा की वैल्यू आज पी बाई एच होता है, जो कि पी क्यू अपॉन पी आर उसके वैल्यू फाइंड अकॉर्डिंग टू योर फिगर्स रख दिया गया है, जिसकी वैल्यू 3/6 दिया गया है। क्रॉस करेंगे जब हम इसे, आएगा आपका 1/2। अब वी नो दैट हम लिखेंगे क्या कि साइन, यहाँ पे ये वैल्यू हम आर ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा पता है उसके जो राइट एंगल्स होते हैं वही परपेंडिकुलर होता है, आर लेंगे तभी इसका परपेंडिकुलर उसके सीधे पे हमारा परपेंडिकुलर, पी लेंगे तो उससे साइन थीटा हमारा ये होगा क्यू आर परपेंडिकुलर, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो साइन आर इक्वल टू वैल्यू आ जाती है 1/2। वी नो दैट साइन आर इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, आप टेबल से देख लेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन साइन दोनों में है, आर इक्वल टू हमारा आ जाता है 30 डिग्री। आर इक्वल टू आपका कंफर्म हो चुका, तो आर इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 30 डिग्री कंफर्म होगा। अब बचा है आपके पी की वैल्यू, नाउ पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, पी की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए बच्चों ये देखेंगे, वी नो दैट एंगल पी इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों के ट्राइंगल का सम क्या होता है, हमारा ट्रायंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, कंफर्म हो चुका है। बच्चों सब कुछ पढ़े हो, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना था, आप एक बार फिर से तो कर लो, हम रिवाइज करवा देते हैं।
तो एंगल पी की वैल्यू आपको नहीं पता है, चलो भैया जो नहीं पता है लिख लेते हैं। एंगल क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया जा चुका है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू की वैल्यू हमें राइट एंगल है, इट्स मीन्स 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब एंगल पी प्लस करेंगे 9 प्लस 3 आ गया 120, जीरो है तो जीरो भैया बढ़ा दो, नहीं तो पता लगे ऐसे 9 और 3 जोड़ करके 12 होगा, जीरो कहाँ से आ गया। तो एंगल पी इक्वल टू ये करना चाहे 180 डिग्री, जस्ट पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये आ जाता है एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, कन्फर्म हुआ। यानी कि एंगल आर की वैल्यू हमारी आ जाती है, आर की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, पी की वैल्यू हमारी 60 डिग्री। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, कन्फर्म हुआ ना। यहाँ पे अगर लगाना चाहे तो एंगल आर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। अब वी नो दैट हम लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, हैंस पोजीशन ऑफ ही कन्फर्म किए गए क्यू पी आर, जो बीच में यही मिडिल पॉइंट्स होगा उसी की पॉइंट्स हम लेंगे। पी एंड आर की वैल्यू फाइंड करना था, देख रहे हैं पी किस में है, एंगल पी की 60 डिग्री आया है, तो इट मीन्स एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल टू आर की वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। कि अब पूछेंगे भैया क्यों मैम बीच वाला ही पॉइंट्स लें, क्योंकि आपके ऑलरेडी जब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो हम यूज़ करते हैं मिडिल पॉइंट्स को, आपको पहले ही सब कुछ मेथड बताया जा चुका है, मेरा लास्ट लेक्चर से चल रहा है, डोंट वरी। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ डिटरमाइन हो चुका आपका, इत सिद्ध हो चुका, बताया जा चुका, एक बार चलिए ना फिर से रिवाइज हो जाता है कि बताया गया है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर नॉमिनेट करके दिया गया है, जो कि पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, राइट एंगल क्यू की वैल्यू 90 डिग्री दिया गया, हमें आर एंड पी की वैल्यू फाइंड करके पी आर क्यू एक बार क्यू पी आर एंगल ले आने हैं, कुछ भी नहीं किए, दोनों लिख लिए, जो कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दिया गया है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग, हम पी बाई एच कहने का मतलब साइन थीटा ले चुके हैं, जो कि 1/2 30 डिग्री होता है, तो एंगल आर हमारा आ चुका 30। एंगल आर कहाँ से आ गया, साइन के जस्ट अकॉर्डिंग आपके सीधे पे हमारा एंगल आर आ रहा है, कुछ भी समथिंग्स वहाँ रख सकते हो वो भी आ जाएगा। अब हमें पता है सम ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ आपके एंगल क्यू एंगल आर की वैल्यू रख करके एंगल पी की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, लास्ट में कुछ नहीं करना था, मिडिल पॉइंट्स को हम यूज करके अपने पॉइंट्स को हम रिटर्न कर लिए, इसकी ये वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो चलिए फटाफट हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए, चलिए नोट डाउन हो चुका, लिख लिए, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आपको शेयर चैट में अब आप लिखते रहेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। तो चलिए बच्चे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस लेक्चर्स में आपको एग्जांपल नंबर 7 बताया गया, आफ्टर दैट आपको एग्जांपल नंबर 2 लेकर के आएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वो भी रहेंगे। ये एग्जांपल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे ही एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट जो सारे एग्जांपल्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी लेक्चर होता है आपके जरूर आपको जरूर बताया जाता है, तो हम एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आप भी हाँ एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे। चलिए फटाफट इसके साथ ले लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट स्टेप के साथ।